जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम देखेंगे अल्फ़ाबेट पी। ये अपर केस पी है और ये लोअर केस पी है। एक सीधी लाइन लगाई और उसके ऊपर एक हाफ सर्कल बनाया। उर्दू में जो पी है उसकी पी जो है वो प की साउंड निकालता है, ठीक है। पे के नीचे तीन नुक्ते होते हैं। अब पी से जो अल्फाज बनते हैं वो हैं पिन। पिन कॉमन पिन होती है, जिसको उर्दू में सुई आप कह लें। और अगर हम इसके उर्दू में लिखें तो ये पे आ जाएगा पी के लिए, ई आई के लिए और नून, तो ये बन गया पिन। और पा, पा कहते हैं पंजे को, पे ए डब्ल्यू पा, पंजा। पे और ए और डब्ल्यू मिलके आ की साउंड निकालते हैं, तो पा बन गया पंजा। और पैन, पी ए एन पैन, बर्तन को कहते हैं। अगर हम इसके हिज्जे लिखें तो ये आ जाएगा पे ए और नून, पैन। इसके अलावा पॉट, पॉट भी बर्तन को कहते हैं, ये भी पी से शुरू होता है, पी ओ टी पॉट। अगर इसके हिज्जे लिखें तो ये आ गया पे ओ और टे पॉट। इसके अलावा पेन, पेन जो है वो भी पी से शुरू होता है, पी ई एन पेन। पेन को उर्दू में कहते हैं कलम। पे ए और नून पेन। तो आज हमने जो जहाँ पे भी पी आएगा प की साउंड निकालेगा, जो कॉमनली तीन हर्फ लेटर्स हर वर्ड्स बनते हैं पी से, पिन पा पेन पॉट पेन। कलम को पेन कहते हैं, कॉमन पिन। इस तरह सीधी एक छोटी सी जो हम कॉमन पिन होती है, पंजा जो है पा, बिल्ली का पंजा, बर्तन कोई भी बर्तन उसको पेन कहते हैं, पेन पॉट भी कहते हैं, और कलम लिखने वाला पेन।